जो कश्मीर है हमें खामोश और बेजान दिखाई देता है। ये पहले ऐसा नहीं था, उसके माजी के सफ़ाद बहुत से जानदार और रंगीन अफसानों से भरे पड़े हैं। इन बेशुमार कहानियों में से कुछ पर वक्त और हालात की धूल जम गई है और वो धीरे धीरे उस गिर्द में दब गए हैं जो सियासी और समाजी उधेड़बन से पैदा हुई थी। ये वाकया तारीख का वो सबक है जिसने इंसानी जोश और जज्बे को वो ऊंचाई बख्शी है जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिल पाई है। भारत की आजादी में सियासत और मजहब की आजमाइश हो चुकी थी। अंग्रेजों ने जाते जाते डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, उसके नतीजे में भारत की आवाम दोहरी मार झेल रही थी। कोई नहीं जानता था कि आने वाले सालों में देश का क्या होगा। कश्मीरी आवाम भी इस बेचैनी की शिकार थी। अंग्रेजों ने वक्त का फायदा उठाकर महाराजा ऑफ कश्मीर को वर्गलाकर आवाम को आपस में लड़ाने के लिए अजान और कुरान की तिलावत पर पाबंदी लगा दी। कश्मीर के मुसलमान सड़कों पर उतर आए, देखते ही देखते पूरे कश्मीर में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रैलियों को किसी भी सूरत में नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी आंदोलन से एक ऐसा इंसान उभर कर आया जो लोगों की आवाज बन गया, अब्दुल कदीर खान गाजी। अब्दुल कदीर के अल्फाजों ने लोगों में नया जोश भर दिया था। उसकी बढ़ती शोहरत और हरदिल अजीजी फौज के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं थी। मेरे मुसलमान भाइयों, अब वक्त आ गया है हम पर जुल्म और बर्बरियत का जवाब देने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। और कुरान शरीफ की बेहुरमती के मामले में सब्र के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। उनके महल को जमीन पर गिरा दो। वो कहते हैं हमारे पास मशीन गन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास ईंट और पत्थर की बहतात है। उनसे मुकाबला करने के लिए हमें सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, और एक मुसलमान में हिम्मत की कोई कमी नहीं है। हम अपने सर पर कफन बांध कर चलते हैं। हम पैदा ही होते हैं जज्बे शहादत को लेके। अपने दीन की हिफाजत करने के लिए हम खुद को कुर्बान भी कर सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। दोस्तों, जैद ए बुखारी का सलाम कबूल हो। जर्मनी की लगाई हुई आग को बुझाने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग उठ खड़े हुए। हिंदुस्तान किसी से पीछे क्यों रहता, हिंदुस्तान के बहादुर मिस्र में पहुंचे। इस वक्त ये जवान एक मश्क कर रहे हैं जंग के लिए, ताकि अगर दुश्मन का मुकाबला हो जाए तो किसी बात में पीछे न रहे। कांटेदार तार मुझे पसंद नहीं, इन जवानों को भी शायद पसंद नहीं। Thank you.
ले चलो इसे। 25 जून 1931 में फौज ने अब्दुल कदीर को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन पे जुर्म आयद किया गया कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक कर रहे थे। जुलाई 1931 जब सेंट्रल जेल श्रीनगर में अब्दुल कदीर के केस की सुनवाई शुरू होती है, सुबह से ही लोगों की भीड़ वहां जमा होने लगी। हमारे राज्य में कहीं पर भी किसी को जमा होने मत दो। गलती से हो भी गए तो उनका जवाब गोली से दोगे, ये मेरा हुक्म है। लगता है लोगों की आवाज है, लगता है इसी तरफ आ रहे हैं। चलो अपने अपने पोजीशन पे। Oh,
अशहदु अन्न मुहम्मदुन। अशहदु अन्न मुहम्मदुन।